एक नालानुमा तालाब इन दिनों उगल रहा सोने के जेवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित काली घाट की, जहाँ एक नालानुमा तालाब एसडीआरएफ की टीम के तालाब में उतरते ही सोने के जेवर उगलने लगा। आपको बता दें, जबलपुर के माढ़ोताल थाना अंतर्गत क्षेत्र में काफी दिनों से बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में माढ़ोताल की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की तो उक्त चोरों ने चोरी की वारदात को स्वीकारते हुए चोरी के माल को ग्वारी घाट स्थित काली घाट के पास एक नालानुमा तालाब में छुपाना बताया। वहीं पुलिस आज एसडीआरएफ की टीम के साथ नालानुमा तालाब पहुंची, जहां एसडीआरएफ की डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में दिनेश लोधी, मोदित रजक, पंकज वर्मा व पंकज दुबे ने नालानुमा तालाब में जैसे ही कांटा डालकर निकाला तो वहां मौजूद पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नालानुमा तालाब ने सोने के जेवर उगलने शुरू कर दिया था। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अब कुछ जेवर बरामद कर नालानुमा तालाब को खाली करने में जुटी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि नालानुमा तालाब खाली होने के बाद और कितने जेवर उगलता है। पीबीसी के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम का निर्माण किया गया था, जो टीम चोरों की तलाश पतासाजी में लगातार लगी हुई थी। उसमें हमको सफलता मिली, जिसमें हमने थाना क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों के 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और लोगों से पूछताछ की थी। उस आधार पर हमने 3 संदेहियों को पकड़ा था। 3 संदेहियों से पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई थी वो मेमोरेंडम उनका लिया गया था, उसकी तस्दीक के लिए हम आज यहाँ भटोली कुंड में आए थे, जिसमें हमको चोरों द्वारा जो बताया गया था कि हमने यहाँ चोरी करने के बाद गहने यहाँ फेंके थे, तो एसडीआरएफ की टीम की मदद से हमने यहाँ पर गहनों को तलाश की थी, तो उसमें कुछ गहने अभी रिकवर हो गए हैं और अभी तलाश जारी है। कहाँ के चोर हैं सर ये? ये 2 चोर तो जो है माढ़ोताल क्षेत्र में रह रहे थे, पटेल मोहल्ला, और एक जो चोर है वो अपना भेड़ाघाट क्षेत्र में है, अपना दलपतपुर। लगभग कितने की अभी माल मिल गया है? अभी बहुत अच्छे से तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन किया नहीं है अभी उसका, लेकिन काफ़ी कुछ रिकवर कर लिया है हमने। 2 चोरियां उन्होंने स्वीकार की है, पूछताछ उनसे जारी है। क्षेत्र में चोरी स्वीकार करेंगे? अभी विजयनगर क्षेत्र की भी बताई है और अन्य दीगर क्षेत्रों की भी बताई है, तो बाद में इनका इसके बाद पेश करने के बाद इनका और पीआर लेंगे और पूछताछ करेंगे, तो संभावना है कि और भी अधिक चोरियों का खुलासा होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।